आज वाला लाउट हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल परी रूटीन। बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार एंड हाय टू ऑल माय फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। बताओ 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 क्या है वो खुशी का दिन? आज मैं नहीं, मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी छोटी बहन सब गांव जा रहे हैं। पैकिंग भी हो चुकी है, देखना चाहते हो? ये लो देखो। तो हमारे ओडिशा में मकर संक्रांति बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। ये बहुत ही पॉपुलर है ओडिशा में, और आप लोग इसे पोंगल के नाम से भी बुला सकते हैं। तो अभी तो हम जाएंगे, ऑटो में जाएंगे रेलवे स्टेशन कोरापुट में। तो चलो मैं आप सबसे रेलवे स्टेशन में डायरेक्ट मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमने ट्रेन को कब्जा कर लिया है। तो अभी तो हम मस्ती कर रहे हैं, बैठे हैं। तो अभी तो क्या बात करना है, डायरेक्ट मैं आप सबको कल सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, आराम से सो जाओ। तो फिर मैं बीच का व्लॉग बनाना भूल ही गई थी, तो सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी। इतना बड़ा कि मैं बहुत ही भारी है, मैं उठा तक नहीं पा रही, इतना बड़ा सॉरी। तो हम तो गांव जाकर लौट आए, लेकिन व्लॉग तो ही बनाया ही नहीं, इसलिए सॉरी कह देती हूँ। सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी। तो हम तो गांव से लौट आए, लेकिन व्लॉग बनाना भूल गए। और आप लोग एक बात बताओ, जब से यहाँ पर इस दुनिया में फोन निकला है ना, तब से हम लोग अपने घर वालों को भूलकर, अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस ना देकर, अपने फोन को ही इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं। और इसलिए लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ, जब हम गांव गए ना, तो हम तो फोन के बारे में भूल ही गए थे। हम अपने फैमिली वालों से, अपनों से ऐसे घुल मिल गए थे कि हम तो अपने फोन को ही भूल गए थे, व्लॉग बनाना भूल गए थे। इसलिए फोन तो अपने कमरे में रहता था और रो रहा होता था, और हम बाहर मौज मस्ती घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, नाचते थे, बहुत मस्ती करते थे, लेकिन फोन वहां कमरे में अकेला बैठा रो रहा होता था। इसलिए हम तो फोन के बारे में बिल्कुल ही भूल गए थे, हम इतने घुल मिल गए थे अपनी फैमिली वालों के साथ। तो उसके बाद तो हम लौट भी आए। और आप लोग को एक बात बताओ, ये सही है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है? वैसे कमेंट सेक्शन तो खुला नहीं है मेरा, लेकिन लाइक करके बताओ। अगर ज़्यादा लाइक मिलेगा तो मैं जानूंगी कि फोन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस फैमिली वाले हैं इम्पोर्टेंट, और अगर कम लाइक आएंगे तो मतलब फोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली वालों से। तो जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, तो 3-4 साल हो गए थे हम गांव नहीं गए थे, अपने फैमिली वालों से मिले नहीं थे। इसलिए हम सब वहां पर हमारी फैमिली वाले छटपटा रहे थे हमसे मिलने के लिए, बस फोन में ही बातचीत होती थी ना, तो छटपटा रहे थे हमसे मिलने के लिए, और हम यहाँ मछली की तरह तड़प रहे थे उनसे मिलने के लिए। इसलिए हमने कोरोना फोरोना सबको से ना डर कर चले गए गांव, हमने डरा तक नहीं और चले गए। और हमें तो ये नहीं पता है ना कि कब ये कोरोना खत्म होगा, शायद ये कोरोना जिंदगी भर के लिए भी रह सकता है, क्योंकि हम जिंदगी भर तक ऐसे ही फोन में बातचीत करते रहेंगे, बोलो आप। इसलिए हम बिना डरे चले गए, और हम ज्यादा दिन नहीं रुके, 15 दिन ही मैक्सिमम रुके थे, लेकिन
हम उन 15 दिन में से 10 दिन सिर्फ कष्ट ही भुगते रहे। क्यों बताओ? जब हम गए ना, तब हम सबको बुखार जुखाम सब कुछ हो गया। पहले मेरे पापा को शुरू हुआ, उसके बाद जब खत्म हुआ तो मम्मी को स्टार्ट हो गया, उसके बाद जब मम्मी को खत्म हुआ तो मुझे स्टार्ट हो गया, उसके बाद मेरी छोटी बहन को स्टार्ट हो गया, लेकिन उसका तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। तो हमने बहुत मस्ती की, फिर भी व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि हम तो फैमिली वालों के साथ ही मौज मच गए थे ना, इसलिए हम फैमिली वालों से मिली के रह रहे थे, इसलिए हम फोन को ही भूल गए थे, व्लॉग बनाना भूल गए थे। इसलिए जब वापस आने के बाद याद हुआ कि अरे भाई, मैंने तो व्लॉग ही नहीं बनाया है, गांव गए और आ गए फिर भी व्लॉग नहीं बनाया, इसलिए अभी व्लॉग बना रही हूँ, सॉरी कह रही हूँ, ठीक है, अभी व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन जो पहले हमने गांव में जो मौज मस्तियाँ की थी, जो मजे किए थे, उसके व्लॉग तो नहीं बना पाई हूँ, उसके जो छोटे मोटे क्लिप हैं वो सब मैं डालूंगी, और उसमें ये भी बताऊंगी कि कौन मेरे क्या लगते हैं। तो चाहे फोटो हो या वीडियो हो, जो भी हो, मैं डालूंगी जरूर। तो बहुत मजा आया लेकिन गांव में, तो आप लोग मेरी व्लॉग कह रही हूँ, मेरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए, मेरे गांव वाले मौज मस्तियों को एंजॉय कीजिए। तो मैं यहीं रुकती हूँ, और भाई थोड़ा साथ भी दे दो यार, छोटे बच्चे को ऐसे दबा कर रख क्यों रहे हो, छोटे बच्चे को बढ़ाना चाहिए, ना ही ऐसे दबा कर रखना चाहिए। इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में इतनी क्या कंजूसी, प्लीज भाई कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो चलो मैं यहीं रहती हूँ, आप लोग मेरे वीडियोस क्लिप सबको एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो मैं गुड मॉर्निंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही टायर्ड हो गई थी, और 8:30 को हम पहुँचे और बहुत टायर्ड हो गई थी, इसलिए हम पहले फ्रेश हो गए, उसके बाद टिफिन खाने चले गए, खाना खाने चले गए, उसके बाद मॉल गए थे, लेकिन मॉल बिल्कुल ही बकवास था, बिल्कुल ही बकवास, कुछ नहीं मिला, ढंग का ही कुछ नहीं था। और गांव में पहुंचे हैं, अभी हम एक जगह पर होल्ड किए हैं रेस्ट के लिए, शाम को है हमारा ट्रेन फिर से 5:30 को, तो हम 5:30 को तो नहीं निकलेंगे, 4:30 को निकलेंगे, 4:30 को भी नहीं सर, 5 बजे निकलेंगे, नहीं तो उसके 5 बजे के बाद। तो बहुत ही टायर्ड हो गए थे, और लंच भी ऑर्डर कर दिया गया है, और भाई होटल जाओ, घूमने जाओ और अच्छा खाना ना खाओ, ये कैसी बात हुई, क्या घूमने जाओगे तो क्या सब्जी खाओगे, अच्छा भी तो खाना है। तो हमने तो लंच ऑर्डर कर दिया है, और व्लॉग को अपलोड नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गई, मैं जिंदा हो गई, मैं जिंदा हूँ, बीच बीच में आती रहूँगी आपके सपनों में भी, और आपको डराऊंगी आकर आपके सपनों में। तो लंच तो ऑर्डर कर दिया गया है, तो लंच आने के बाद मैं आप सबको मिलती हूँ, और मैं ब्रेकफास्ट में तो आप सबको इनवाइट नहीं कर पाई, लेकिन लंच में इनवाइट कर रही हूँ, जरूर आना।
और मुझे ज्वाइन करना, साथ मिलकर खाएंगे, आ जाना ठीक है। तो लंच के वक्त मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो मेरा लंच आ गया है, ये है वेज पुलाव, ये है मशरूम, ये है कढ़ाई पनीर और ये है दाल फ्राई। तो वेलकम टू ऑल, जिन जिन को खाना है आ जाओ, नहीं तो मैं सब खा लूंगी। उसके बाद मत बोलना कि परी ने सब खा लिया। तो चलो अब खाना स्टार्ट करते हैं, खाने के बाद मिलते हैं डायरेक्ट शाम को।